हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मिशन करने जा रहे हैं जिसमें हमको जाना है फिल्म इंडस्ट्री सोलोमन के पास, जो फिल्म इंडस्ट्री का ओनर कह सकते हैं या फिर माइकल का फ्रेंड भी कह सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से उसके पास और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। तो आगे देखिए, आगे बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, हम आ चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री सोलोमन के पास और चलते हैं अंदर। उसका ऑफिस अंदर ही है, तो चलते हैं पहले उसके ऑफिस में। ओ गाइस शिट, यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे आप, यहाँ सोलोमन को ये दो बंदे मार रहे हैं। आप इनको जानते होंगे, आपने इनको पिछले वीडियो में देखा होगा। मेरे को तो ये चाइनीज गैंग के बंदे लग रहे हैं। तो गाइज हम दोनों को, मतलब हमको इन दोनों को मारना है। पहुंचते हैं जल्दी से इनके पास और इनको फिनिश करते हैं। भाई ये बहुत आगे जा चुके हैं, कोई नहीं, पर हम इनको पकड़ लेंगे जल्दी से। हमारे पास भी बहुत अच्छी एक्सयूवी है, कोई नहीं, इनको जल्दी से पकड़ते हैं। रोको, इसका नाम रोको है मतलब, तो इसको पकड़ते हैं जल्दी और दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। वैसे ये हमसे आगे जा चुके हैं, पर कोई नहीं, इनको हम जल्दी पकड़ लेंगे। तो आप जानते होंगे कि माइकल यहाँ फिल्म इंडस्ट्री क्यों आया होगा, क्योंकि माइकल को ना एक फिल्म बनानी थी, मतलब मूवी बनानी थी, तो उस बारे में बातचीत करने के लिए आया था ये। पर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे तो सोलोमन को कोई मार रहा था जिसका नाम है रोको। तो वीडियो में बने रहिए, आगे इन दोनों को पकड़ते हैं पहले जल्दी से, फिर दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। ये रिये वाली गाड़ी ले जाएगी थी भाई। रुक जाओ यार, रुक जाओ, मेरे हाथों बच नहीं सकते भाई। लो ये तो गली में ही चले गए यार, आस पड़ोस में कोई ने मारे वो कि कहाँ घुसा दी। तो इनको बंदूक से ही मारते हैं जल्दी से भाई, निकलो जल्दी। और सिर्फ भाग रहे हैं तो भाई देखो, एक ये रुक चुके हैं जिसमें से एक बंदा भाग गया है। हाँ तो अब हम पहले इसको फिनिश करते हैं, आ जाओ सामने, ख़त्म। तो अब जल्दी से उस दूसरे बंदे के पास चलते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। पकड़ते हैं फिर इस दूसरे बंदे को जल्दी से, ये आगे जा चुका है, जो आगे वाली गली है ना, मतलब रोड ही है एक तरीके से, अब तो गली है ही नहीं, वो जा रहा है। उसको गाड़ी से ही उड़ा देते हैं भाई, बस यही करना था भाई, दोनों फिनिश हो गए। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं इस एरिया से और फिर बात करते हैं उससे, सोलोमन से, कि क्या कहता है वो आगे। तो अभी फोन मिला दिया है सोलोमन के पास। I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. Yeah, you're throwing me softballs, rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. तो गाइज पहुंच चुके हैं हम सोलोमन के स्टूडियो पे और देखते हैं सोलोमन है या नहीं है। गन अंदर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना फिल्म इंडस्ट्री में सिक्योरिटी है अच्छी खासी। तो ये रहा सामने ही है सोलोमन का जो ऑफिस है, तो पहुँचते हैं ऑफिस में, देखते हैं क्या बात होती है इनके बीच में। तो यहाँ पे आ चुका है माइकल। Turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Associate producer Michael Descent. भाई, भाई माइकल को ना प्रोड्यूसर बना दिया गया है। Feels like I've finally done something with my life. Michael ना बैठ गया यार कुर्सी पे। Michael मतलब हैरान हो चुका है। Welcome to show business. Nothing but make believe will ever feel quite real again. तो इनकी पार्टी चल रही है यहाँ पे। Alright, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it. तो अभी यहाँ से जा रहे हैं। Great to hear your notes. अच्छा Michael जा रहा है सिर्फ। तो guys जैसे कि आप लोगों ने देखा कि Michael को producer बना दिया गया है। I'm making a movie. पर Michael कह रहा है कि मूवी बनाएगा, मतलब ये माइकल जो है मूवी बनाएगा। तो आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर एंड बाय बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।